तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 के लिए आपका अंतिम सप्ताह कैसा रहेगा। वैसे इस वीक में हमने कुल 10 दिन शामिल किए हैं और ये जो वर्ष है इसका ये अंतिम सप्ताह रहेगा। तो ये जो वर्ष है वो किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया के किसी भी कोने में निवास कर रहा हो, किसी के लिए भी ये वर्ष अच्छा नहीं रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला 2021 का वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो और हम सब अपने जीवन में आगे बढ़े और जो भी हमने अपने लक्ष्य तय किए हैं, जो भी हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको हम अचीव करें और एक पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ते रहें। तो इसी उम्मीद और नववर्ष की आपको शुभकामनाओं के साथ हम बात करते हैं इस अंतिम वीक की। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए 22 और 23 दिसंबर की। 22 और 23 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर आपके राशि स्थान से द्वितीय भाव में होगा, जहां पर चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। चंद्रमा के मीन राशि में रहने से आपके धन की वृद्धि हो सकती है, बचत हो सकती है, साथ ही कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपको फायदा हो सकता है। ये समय आपकी फैमिली और आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपके संबंध आपकी फैमिली से काफी अच्छे होंगे। चंद्रमा यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अष्टम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आपको अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है, कहीं से प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, या ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घट सकती है जो आने वाले समय के लिए आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे। ये समय में आपको एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो निश्चित ही आपको एक्सीडेंट की संभावना बनती है या अचानक धन के नुकसान की संभावना भी बनेगी। चंद्रमा का अष्टम को देखना आपको कहीं ना कहीं अकल्ट में इंटरेस्टेड बनाएगा। तो चंद्रमा का ये 2 दिन का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपनी भोजन संबंधी आदतों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। फैमिली के साथ जितना अच्छा आप रिलेशन रखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए ये समय रहेगा। साथ ही साथ चंद्रमा का दूसरे भाव में गोचर है तो ये आपके भोजन संबंधी आदतों में आप अपनी कोई चॉइस के हिसाब से कुछ चूज कर सकते हैं भोजन के रूप में, और आप अपनी सेहत का ध्यान निश्चित रूप से रखेंगे। चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से जो जातक किसी आर्टिस्टिक फील्ड में काम करते हैं उनके लिए काफी अच्छी स्थिति बनेगी। साथ ही साथ चंद्रमा का दूसरे भाव में गोचर आपके लिए फैमिली के साथ एक अच्छी अटैचमेंट देगा, फैमिली से बहुत ज्यादा लगाव देगा और वाणी में बहुत ज्यादा विनम्रता देगा। तो ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर 24 और 25 दिसंबर की। 24 और 25 दिसंबर को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि में आपके तीसरे भाव में होंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। एक बार फिर से यहाँ पर चंद्रमा आपको कुछ छोटी दूरी की यात्राएं करवाएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ज्यादा हो सकती हैं यात्राएं, साथ ही साथ उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। हालांकि चंद्रमा के तृतीय भाव में रहने से आप बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप अपने छोटे भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से और अपने जो संबंधी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम करते हुए आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा यहाँ से आपके नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से उन जातकों को लाभ होगा जो विशेष रूप से स्टूडेंट हैं और जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। ये समय आपके भाग्योदय के लिए काफी अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की आपके लिए कोई सलाह ऐसी रहेगी जो काफी ज्यादा आपके लिए काम करेगी, और कोई ना कोई आपका गुरु जो होगा, गुरु आपको कोई अच्छी सलाह दे सकता है और आपको आपके पिता से भी मदद मिलेगी। ये समय यात्राओं का रहेगा। लंबी दूरी की यात्राओं से ज्यादा फायदा हो सकता है, कहीं आपको फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है। साथ ही साथ ये समय आपको धार्मिक यात्राओं का भी रहने वाला है। आने वाले समय के लिए अगर आप कोई यात्रा का कहीं प्लानिंग कर रहे हैं तो समय आपका पूरा पूरा साथ देगा, और वैसे भी इस समय में आपको भाग्य का साथ मिल जाएगा जिससे आप अपना काम आसानी से पूरा कर सकेंगे और आने वाले समय के लिए अच्छी प्लानिंग करके रख सकेंगे। तो ये दोनों दिन आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 26, 27 और 28 दिसंबर की। 26, 27 और 28 ये 3 दिन के लिए चंद्रमा वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में होंगे। चतुर्थ भाव में इनका गोचर राहु के साथ भी रहेगा। तो ये समय आपको कोई प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा फायदा दे सकता है। घर से कहीं दूर जाना चाहते हैं तो समय अच्छा है,
घर से दूर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका अपने घर से लगाव बढ़ेगा, साथ ही माताजी से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा और उनसे आपको धन लाभ भी हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी जैसा कार्य आप कर रहे हैं या आप खुद के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो समय आपका पूरा पूरा साथ देगा। चंद्रमा यहाँ से दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। दशम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आपके लिए ये समय जॉब वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। जो जातक इस समय जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आप अपने करियर संबंधी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो ये इस समय में कर सकते हैं। ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। विशेष रूप से आपका जो फोकस रहेगा वो प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों पर रहेगा या अपने जॉब पर रहेगा। तो जो लोग पहले से ही कहीं जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन का मौका भी इस समय बन रहा है। तो ये जो वीक है काफ़ी अच्छा आपके लिए कुल मिलाकर रहने वाला है। 29 और 30 दिसंबर की अगर बात की जाए तो चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में होंगे। पंचम भाव में चंद्रमा के होने से आपका झुकाव अपनी संतान की तरफ होगा, संतान से आपका लगाव बढ़ेगा और आपकी संतान से आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आपकी संतान आपका सहयोग करेगी, वैसा ही वो कार्य करेगी। चंद्रमा का पंचम में होना कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल के लिए अच्छा है। अगर आप में कोई क्रिएटिव स्किल है तो आप और ज़्यादा उसमें कुशल बन सकते हैं, दक्ष बन सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा का पंचम में होना प्रेम संबंधों में अच्छा रहता है, सफलता दिलाएगा। आपके लिए नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। अगर पहले से किसी के साथ आपका प्रेम संबंध है तो वो और आगे बढ़ सकता है। पंचम में चंद्रमा के होने से आप इमोशनल जरूर होंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग की बजाय दिल से ज़्यादा सोचेंगे और हर किसी के साथ आप थोड़ा सा इमोशनल दिखेंगे। तो ये समय में अपने मन को कंट्रोल करने का कोशिश आप जरूर करें। साथ ही इस समय में जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है और धन से जुड़े हुए कार्यों में आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा यहाँ से लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। लाभ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आपके लिए धन संबंधी कार्यों में तो कोई बाधा आने ही नहीं वाली, फिर भी आप कुछ इच्छाएं अगर रखते हैं, बहुत लंबे समय से कोई आपकी इच्छा चली आ रही थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, चाहे वो धन को लेकर हो या किसी अन्य प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य को लेकर हो या और कोई इच्छा हो, तो वो पूरी हो सकती है। चंद्रमा का लाभ भाव को देखना जो लोग मार्केटिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है। आपका सोशल सर्किल बढ़ाने के लिए ये समय अच्छा है। कुछ लोग ऐसे आपके साथ जुड़ सकते हैं जो हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहें। तो ये समय लाभ का है और इस लाभ को आप कितना बढ़ाना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही हम बात करते हैं चंद्रमा के अगले गोचर की, यानी अंतिम दिन, इस वीक के अंतिम दिन 31 दिसंबर को चंद्रमा यहाँ पर अपनी खुद की ही राशि में गोचर करेंगे। खुद की राशि में गोचर करते हुए ये आपके लिए छठे भाव में होंगे। छठे भाव का चंद्रमा अपनी खुद की राशि में, अगर चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित नहीं है आपकी कुंडली के अनुसार, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ से देगा, लेकिन खर्चों को बढ़ाएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब करेगा, फॉरेन से रिलेटेड कार्यों में अच्छा आपको सहयोग मिलेगा, तो कोई पुरानी बीमारी जो है वो फिर से उभर सकती है। साथ ही जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप डेली का डेली काम करने के लिए जाते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करके आते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ आप थोड़े सा भावुकता से पेश आएंगे। साथ ही इस समय में आपका जो रूटीन है वो ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। चंद्रमा यहाँ से 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव पर दृष्टि डालने से फॉरेन से जुड़े हुए कार्यों में सफलता दिलाएंगे, लेकिन आपको नींद संबंधी समस्या हो सकती है या रूटीन बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से आप किसी काम को समय पर नहीं कर पा रहे हों, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। तो ये समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही किसी के साथ अगर धन का लेन देन करते हैं तो निश्चित ही आप सावधानी बरतें। इस वीक में आपके लिए शुभ अंक रहेगा 6 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा व्हाइट। फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।